एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये रहा बाली वाला व्लॉग। तो बाली में है हम, आज है हमारा डे ऑफ 5 और 4 समथिंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं उबुद की तरफ, उबुद अलोहा। वो बाली स्विंग करके बहुत ही फेमस है बाली में। तो यहाँ बाली आके स्विंग नहीं किया तो क्या किया, तो इसलिए मैं तो झटपट उठ के मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी ड्यूटी बहुत है। मुझे उठ के जल्दी जल्दी बच्चों को कपड़े देना पड़ता है, बच्चों को नहलवाना पड़ता है, अपराम को रेडी करना पड़ता है, उसके बाद मुझे भी मैं रेडी हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि मुझे यहाँ घर के उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मैं रेडी हो गई, हस्बैंड यहाँ रेडी हो रहे थे, बच्चे भी रेडी हो रहे थे। तो मुझे बच्चे का दूध सब कुछ गर्म करना था, जल्दी जल्दी गर्म करके, मुझे बहुत ही काम रहता है, उसका दूध गर्म करो पैक करो करके। तो ये रहा आज ये होटल में हमारा लास्ट दिन था, यहाँ पे हमने 2 दिन रुके थे। तो ये होटल भी बहुत ही अच्छा था। तो ये कुछ आउटडोर का है कुछ, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था, तो वही हम लोग अभी खाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको ब्रेकफास्ट काउंटर में मिलती हूँ। तो अभी हम लोग आए ब्रेकफास्ट काउंटर पे। यहाँ ब्रेकफास्ट पे देखिए सब कुछ ब्रेड रखा था, ब्रेड बटर। यहाँ का ब्रेड भी थोड़ा टेस्टी कम था, मैं थोड़ी बहुत बड़ी टेस्टी ऐसी टाइप की हूँ, तो मुझे ये वाले खाने सब कुछ मुझे पसंद नहीं आते हैं। मैं टिपिकल इंडियन फूड खाती हूँ, मैं कुछ घर का ही बना हुआ खाती हूँ। तो यहाँ मैंने फ्रूट्स देखा तो मैंने फ्रूट्स ही खाया। उसके बाद सब कुछ भी यहाँ सैलड वगैरह सब कुछ बहुत बहुत आइटम्स रखा था, लेकिन पता नहीं इनके यहाँ अजीब सी स्मेल आती है। देखिए ये कुछ सेविया वगैरह भी रखा था, मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया, मैं थोड़ा कम ही खाई, उतना खाई भी नहीं मैं एक्चुअली। उसके बाद मैंने यहाँ देखा, इनको बोला मुझे आमलेट बना के दो। तो ये मैं इन्होंने क्या किया पता है, सिर्फ ऑफ बॉयल के जैसे अंडा डाला, हूँ हलाया, ऐसे ही उठा के दे दिया। देखिए दिख रहा होगा आपको वीडियो में, सेम एज इट इज़ वो प्लेट में डाल के दे देते हैं। तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद आया, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की क्या मैं थोड़ा बना सकती हूँ क्या, तो उन्होंने मुझे बहुत फ्रेंडली तरीके से ओके अच्छा ठीक है आप बना लीजिएगा करके मुझे बहुत ही अच्छे से बोला। तो मैंने मेरा जो ये ऑमलेट था मैं बना रही थी, तो ऊपर से हमारा हस्बैंड अच्छे से हमने ऑमलेट बना लिया। उसके बाद यहाँ उनके मैनेजर आ गए होटल के, तो वो बोल रहे थे आपको जो भी चाहिए सिर्फ इंस्ट्रक्शन दीजिए, हम अच्छे से बना के देते हैं करके। तो ओके ठीक है करके हमने 2 एग बना लिया, 2 एग ऑमलेट बना लिया, अच्छे से बना लिया। तो वही हम लोग खा के पी के थोड़ा इंजॉय करके उधर से हम लोग गए उबुद की तरफ। तो ये रहा उबुद अलोहा स्विम करके। तो हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ हम अराउंड कितने बजे आए, लग गए यहाँ 1 o'clock या नहीं 12 o'clock को ही हम आ गए। हाँ बहुत जल्दी आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ आपको बहुत ही जल्दी आना पड़ेगा। देखिए ऐसा कुछ यहाँ का सेटअप रहता है, आपको बहुत ही वेट करना पड़ता है। ये जो है हमारे ड्राइवर हैं, वो ही बच्चे को थोड़ा संभाल रहे थे, बच्चे को नीचे अलाउड नहीं है। तो यहाँ ऐसे कुछ ड्रेसेस रहते हैं, आपको जो भी ड्रेसेस पसंद है आप वो वेयर कर सकते हैं। ड्रेसेस का सेपरेटली चार्जेस है आपको 250K करके था, अराउंड हमारे इंडिया के प्राइस में 1500 समथिंग हमने पे किया था ओनली ड्रेस के लिए। पूरा टोटल आके हमें बहुत कॉस्टली पड़ा, कपल का पूरा टोटल हमें अराउंड 7 या 6000 के करीब पड़ा है हमें, क्योंकि बहुत ही चार्जेस है यहाँ के फ़ोटोशूट के, सब कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इतना कॉस्टली आपको मिलेगा ही मिलेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ मुझे अच्छे से पता है, 1 lakh सिंगल का 4000 रुपी प्लस इंक्लूडिंग मेरा ड्रेस करके,
ऐसा कुछ था, आप चेक करके जाइएगा। और मुझे जाके आने के बाद पता चले और भी बहुत ही प्लेसेस रहता है वहाँ पे, थोड़ा कम रहता है करके, लेकिन अलोहो में तो मैंने यहाँ मेरा ड्रेस एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैं ये ड्रेस पहन के ही जाऊँ या स्विंग करने के लिए या कुछ अजीब ड्रेस पहनूँ करके। तो यहाँ पे ड्रेसेस पूरे बैकलेस, बहुत फ्रंट में बहुत डीप, सब कुछ मिलेंगे, फ्री साइज के मिलेंगे, तो वो आपको टाइट करके दे देंगे। बैकलेस ऐसे कुछ मिलते हैं ड्रेसेस, लेकिन एनी हाउ वो थोड़ा मैनेजेबल कर देते हैं। तो मुझे वही था जो मैं ड्रेस पहनूंगी अच्छा रहना है करके, तो मैंने भी यहाँ से ड्रेस ले लिया। देखिए ये वाला ड्रेस लिया मैंने, कैसा लग रहा है बताइएगा। तो ये थोड़ा बैकलेस था, उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ करके एनी हाउ मैंने मैनेज कर लिया। तो ऐसा कुछ था। देखिए ये कैमरा, अपना बाली जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा अच्छा सा कैमरा लेके जाए। अगर आप व्लॉगिंग करते हो या नहीं भी करते होगे तो भी प्लीज़ एक अच्छा सा कैमरा लेके जाइए। तो मेरे कैमरा में उतना अच्छे से नहीं आया, तो ओके। लेकिन ये बड़ा एक्सपीरियंस बहुत ही, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस वॉज ऑसम, इतना अच्छा लगा मुझे। ऊपर लाइक ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं, ऐसे ही मैं नीचे ही नहीं देखी, सिर्फ ऊपर ही देख रही थी, मेरा आँख तो बंद ही थे, इतने अच्छे से हमने दोनों ने भी किया, बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन वेटिंग बहुत करना पड़ेगा, तो हम सोनू और अयानू ऊपर ही थे, जो मैं आपको दिखाई थी वहाँ ही है, बच्चों को नीचे अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला एक स्विंग था, ये वाला भी मैंने किया, ये वाला करने के बहुत ही डर लगता है, तो वो मुझे बोल रहे थे आप बैक आओ करके, मैं मुझे बिल्कुल भी मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, मैं इतनी मैं डरी हुई थी, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अभी मन करता है फिर करो करके, कहाँ से करें, तो बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस। तो उसके बाद हमारे जो स्विंग्स थे, तो ऑलमोस्ट हमने 3 स्विंग्स कर लिया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए ये नेस्ट पे फ़ोटो खिंचाने के लिए, देखिए इतनी बड़ी क्यू पड़ी थी। हाँ, और उधर पे झूलने के लिए भी आपको मैं दिखाती हूँ, वहाँ भी उतने लोग ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही, देखिए इतने लोग वेट कर रहे थे, इनके बाद हाँ और इधर के बाद हमारा टाइम आएगा। तो यहाँ हमारा आपका अच्छा खासा 3 आवर तो लगेगा ही लगेगा आपका अलोहा स्विंग में, तो बहुत लेट होता है, वहाँ ही पूरा दिन गुजर जाता है आपका। तो मैंने यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत वेट किया, देखिए ये यहाँ हमारे इंडियंस भी थे, यहाँ हमने बात किया इनसे, तो यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए आपको बहुत ही, लेकिन वर्थ ही फ़ोटोस आएंगे। फोटो तो हमने स्विंग्स वगैरह कर लिया, करने के बाद हमने तो यहाँ पे थोड़े बहुत हमने फ़ोटोज़ खिंचाए, उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे, हमें जाके हमारा फ़ोटो सब कुछ चेक करना था, जो ये लोग भी बना के देते हैं फ़ोटोज़ वगैरह, ये लोग भी खींचते हैं, तो वो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसकी यहाँ हम लोग जा रहे थे वहाँ देखने के लिए। तो उसके बाद हम लोग ऊपर आए तो इतने प्यासे हो गए थे, तो पहले हमने एडिर मंगा के पी लिया ठंडा ठंडा सा। तो यहाँ हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया, उसके बाद बारी आई ड्रेस चेंजिंग की, तो ड्रेस चेंज करके हमने उनका ड्रेस दे दिया और मेरा सा ड्रेस पहन के हम लोग चले। यहाँ नियर बाय एक फॉल्स से बोला ड्राइवर ने, ही बोला था, सजेस्ट किया था हमें, तो दूसरा सब कुछ फॉल्स बहुत ही दूर होगा, तो ये नियर बाय है, अराउंड 4 o'clock समथिंग हो गए थे, तो हमने सोचा ओके वो देख के चल जाते करके। तो हम लोग यहाँ आए, लेकिन पानी बहुत कम था, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था मुझे यहाँ, मैंने सोचा इसमें जाऊँगी करके, तो मैं वही जा रही थी पानी में खेलने के लिए। तो हमने एक्स्ट्रा एक जोड़ा नहीं लाया था, कपड़े नहीं लाए थे, तो हमने पानी में नहीं खेला, हमने सिर्फ देखी थोड़ा पानी कम था, लेकिन वही मैं उस पर जाके सामने जाके घूम फिरा के आ गई, लेकिन डर भी लग रहा था जब हम फॉल्स की तरफ जाते हैं, बहुत डर लगता है। एक्सचेंज की गई है। हाँ, मगर आज ऐसे देखो आ रहे हैं।
पैसे दे रहे नमस्कार थाली नो 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 दिस ओनली चाइनीज इट्स इंडियन फूड लाइक दिस हां ओह या जी गन टिंग फोर से बाहर निकलेंगे जरा शुरू करते हैं ओनली चाइनीज आई विल गो एंड चेंज मिसेस तो हम डायरेक्ट नाइट को होटल ही आ गए नमस्कार थाली करके। ये है सेमिनाक में। तो ये जो फूड हमारे इंडियन के फूड के जैसा ही रहता है, बहुत अच्छा रहता है फूड। तो हम हर डिनर इधर पे ही करते थे। तो उसके बाद हम लोग खाने के बाद यहाँ बाजू में एक होटल है थ्री किंग्स करके। रुक रुक बेटा, हम पहले दिन आए थे यहाँ पे उनके होटल पे, हमने वहाँ से कोकोनट वाटर पिया था वो लोग। तो मैंने सोचा वहाँ ही जाके हम लोग कोकोनट वाटर पीते हैं। तो आज हमारा लास्ट होगा यहाँ पे आने का, तो इसीलिए मैं वहाँ जा रही थी, क्योंकि हम कल जाएंगे ग्रैंड मिराज, तो हम यहाँ नहीं आ सकते करके हम लोग जा रहे थे। तो उन्होंने भी देख लिया। यहाँ देखिए जो ये ऑरेंज में है वो है पुत्री, वो मेरा ब्लॉग देख रही होगी शायद। तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है यहाँ, सभी लोग ये थैंक यू। Calling him Sam only. Sam, oh yeah. Sam and Abraham. Abraham. Abu. Yeah. Abu. Abu Abraham. Oh. Thank you. और उस दिन ना यहाँ पे ना अलोविंस अलोविंस डे मना रहे थे वो लोग, तो इसीलिए ऐसे रेडी होके हैं। लेकिन बहुत ही फ्रेंडली नेचर है। अभी जो ब्लैक यहाँ अलोविंस डे भी था, ये लोग अच्छे से धूमधाम से मना रहे थे। और ये जो ब्लैक ड्रेस में ना वो यहाँ के ओनर हैं, इनका नेचर इतना अच्छा है, ये हमें छोड़े ही नहीं। बाद नंबर सब कुछ लिया इन्होंने हमारा, और पुत्री ने भी नंबर लिया, मैंने भी उनका नंबर लिया। तो मैंने भी इनको बोला मेरा भी यूट्यूब चैनल है करके, तो वो लोग भी मेरे वीडियो बना रहे थे ना, तो वो लोग भी आकर के मुझे सब्सक्राइब किए और मुझे उनका पर्सनल नंबर हमने एक्सचेंज किया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन सब से मिलके। और मेरा ना मैंने फ़ोन भी बाली में ही भूल के आ गई, मेरा और एक फ़ोन था, तो वो स्टोरी भी बहुत हेल्प की है मुझे पुत्री ने, जो ऑरेंज कलर ड्रेस पहनी है ना, वो मुझे वो फ़ोन के बहुत हेल्प कर रही है, अभी भी हेल्प कर रही है। तो अभी भी मेरा फ़ोन बाली में ही है, तो मैं वो एक स्टोरी शेयर करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।